स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में बात करेंगे सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के परिणाम के बारे में। आप सभी का रिजल्ट जो कि 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए आने वाला था वो कल जारी कर दिया गया है, यानी कि वे सभी अभ्यर्थी जो यहाँ पर टाइपिंग के लिए सेलेक्ट किए गए हैं उनका रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है। आप सभी ने रिजल्ट ज़रूर देखा होगा और जैसा कि हमने जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट के बाद बात की थी कि आपको सूचना सहायक का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ के साथ देखने को मिल सकता है, तो वही आपको कल देखने को मिला है। कट ऑफ काफ़ी हाई रही है, हमने 3-4 दिन पहले भी बात की थी कि कट ऑफ आपको जनरल की लगभग जिस प्रकार की जूनियर अकाउंटेंट कट ऑफ आई गई है वैसे ही आपको 72 से लेकर 75 के बीच में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। तो जनरल मेल की कट ऑफ आपको 73 मार्क्स की देखने को मिली है। साथ ही हमने कई बार बात की है कि पेपर का लेवल पिछली बार की तुलना में नॉर्मल था, यानी कि कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया था, काफ़ी इजी पेपर था, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और क्वेश्चन ज़्यादा सही होने के चांस भी बनते हैं और कट ऑफ कल काफ़ी हाई रही, यानी कि जनरल कैटेगरी में जिस अभ्यर्थी के 150 में से 110 क्वेश्चन से ज़्यादा राइट हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है। तो वही OBC में भी लगभग 108 क्वेश्चन के आसपास जिस अभ्यर्थी के सही हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ काफ़ी हाई है, जनरल OBC में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, इसके बारे में भी हमने बात की थी। साथ ही फाइनल रिजल्ट में भी आपको ज़्यादा अंतर जनरल और OBC में देखने को नहीं मिलेगा, कोई 1 या 1.5 नंबर का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि यहाँ पर ज़्यादातर कैटेगरी जो मेल कैंडिडेट हैं इनकी कट ऑफ 60 से ऊपर रही है, सिर्फ एक अगर हम बात करें ST कैटेगरी 58 नंबर की कट ऑफ है, वरना वो भी 3 गुना की है अभी तक। अब जब तक फाइनल आएगी तो सारी कट ऑफ आपको 65 से ऊपर ही देखने को मिलेगी। और जहाँ तक बात है तो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 80 नंबर के अप्रोच ज़रूर देखने को मिलने वाली है, 80 से प्लस भी हो सकती है, 80-81 की कट ऑफ देखने को मिलेगी। अभी टाइपिंग होना है लेकिन आप सभी जानते हैं टाइपिंग जो है वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि उसके कोई नंबर आपको जुड़ने वाले नहीं है। और टाइपिंग भी काफ़ी ईजी है, अगर आपकी स्पीड 25 से 30 वर्ड पर मिनट है तो आप यहाँ पर आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि कोई ज़्यादा ही उतार चढ़ाव आपको टाइपिंग के बाद देखने को मिलेगा। अभी जो अभ्यर्थी एक तरीके से सिक्योर है, यानी कि जो जनरल में लगभग 80 से प्लस हैं, और वही अगर हम बात करें OBC में भी आप मान के चलिए 80 के अप्रोक्स ही कट ऑफ रहेगी। और अगर हम बात करें EWS की तो उसमें भी लगभग आपको 70 प्लस यानी कि 72 से 73 या के अप्रोक्स जो है कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। बाकी सभी में एवरेज जो है 6-7 नंबर कट ऑफ बढ़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई रहेगी। और कट ऑफ ज़्यादा क्यों गई है तो इसके बारे में हमने हमेशा से ही बात की है कि इस समय कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है और हर अभ्यर्थी आज के समय में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। जिन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं भी होता है उनको आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर जारी रखनी होगी। अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ की तो लगभग हर कैटेगरी में 6 से 7 और कई पर 7 से 8 नंबर की कट ऑफ भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी 3 गुना सेलेक्ट हुए हैं, फाइनल अभी सेलेक्ट होने बाकी हैं। स्कोर कार्ड कब तक जारी करेगा बोर्ड, तो पूरी पूरी उम्मीद है कि इस फ्राइडे को आपका स्कोर कार्ड जारी हो सकते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन का समय यहाँ पर लगेगा। आज मंगलवार है तो आज यानी कि आप मान के चलिए तो फ्राइडे तक आपके स्कोर कार्ड यहाँ पर जारी हो जाएंगे। साथ ही एक सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पेपर में 9 क्वेश्चन पे यहाँ पे जो है बदलाव हुआ है, 7 क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट भी हुए हैं और आई थिंक 2 क्वेश्चन जो है उनके ऑप्शन भी चेंज किए गए हैं, तो इससे भी काफ़ी प्रभाव अभ्यर्थी के नंबर पर देखने को मिला है। वैसे तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कैलकुलेशन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, साथ ही सेक्शन वाइज भी यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो अभ्यर्थी सिर्फ 2 से 3 मिनट में यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकता है फटाफट से आंसर की मिला के, और वो कैलकुलेशन कर सकता है। वैसे आने वाले 3 से 4 दिनों में ही आपका स्कोर कार्ड भी जारी हो जाएगा, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका सिलेक्शन आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करनी है। अगर हम बात करें टाइपिंग कब तक होगी तो कम से कम 45 दिन का समय यहाँ पर लगता है, और जहाँ तक अनुमान है अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में आपकी टाइपिंग यहाँ पर करवाई जा सकती है। तो आप सभी जो भी यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं वो यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी ज़रूर करें। जिनके कट ऑफ से लगता है कि 2 से 3 नंबर ज़्यादा है तो वो या तो आगे की तैयारी कर सकते हैं, अगर वो टाइपिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ रहेगी वो अभी की कट ऑफ से कम से कम आप मान के चलिए हर कैटेगरी में 6 से 7 नंबर और किसी में 7 से 8 नंबर भी बढ़ सकती है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से जो है आगे की तैयारी करते हैं। बाकी को कट ऑफ इसीलिए बढ़ी है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, बाकी सभी अभ्यर्थियों की राय अपनी अपनी हो सकती है कि पेपर में कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई होगी ताकि कट ऑफ बढ़ गई है। बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपके कितने मार्क्स हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।